नहीं वैसे हमने यहाँ पे सुना है कुछ भूत वगैरह है, सच में है नहीं, ये है, ये है यहाँ पे? चीजें। हाँ बिल्कुल। What's up guys, welcome to back and other video. This video will be very special because guys, आज फिर हम वहाँ एक बार फिर आए हैं जहाँ एक वीडियो बना चुके हैं, और इस बार हम आए हैं अपने सारे दोस्तों के साथ, 6 से 7 बंदे हैं, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग दिन में भी नहीं जाते हैं, एक रिस्क है। तो अगर आपको इन चीज़ों से डर लगता है तो वीडियो देखे ही मत गाइज। दूसरी बात ये है कि हम पहले भी आ चुके हैं और उस डेट ने हमें कंफ्यूज कर लिया जो हमने देखा था, लेकिन वीडियो में हमने उसका शॉट नहीं लिया था। डेट क्या है, जो इसका ओनर है 26 साल पहले इसने काम क्यों रोक लिया, अब आज की वीडियो में ये सिर्फ पता करने जाएंगे। पहले वीडियो में हम गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जाने से हम डर रहे थे। देखेंगे कि बिल्कुल जो एरिया है विजिट करेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम आपको दिखा देंगे। अगर आप में से कोई डरता है स्केयर इन चीज़ों से तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखें। चलिए गाइस फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सच में डरावनी जगह है। अब हम अंदर जा रहे हैं और फर्स्ट में जफर भाई है। जफर भाई इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है और इस वजह से हम इसको फर्स्ट भेज रहे हैं। जो आगे जाने वाला होगा वो जफर भाई होगा। चलिए जफर भाई, ठीक है, ओके। तो मैं पहले चलता हूं। चलो साथ साथ चलते हैं। डर लग रहा है। चलिए आ जाइए आप लोग साथ में। और जफर भाई का कहना ये, मैंने आपकी खासूसन वीडियो भी देखी थी जिसके बाद मेरा भी जो है ना दिल में आया ख्याल कि क्यों ना विजिट कीजिए। कौन सा रास्ता है विजिट? नहीं, सबसे पहले रास्ता तो वहाँ से हम जाने वाले, जिस चीज ने हमें कंफ्यूज कर लिया था उसको पहले। गाइज ये वो डेट है, उसके बाद कोई बच्चा तो नहीं लिख सका होगा। अब इस डेट के बाद काम क्यों रुक लिया गाइज? अब हम इन हो रहे हैं यहाँ से, और जफर भाई है जिसकी वजह से हम साथ जा रहे हैं। वैसे तो पहली बार हम डर के वापस चले गए यहाँ से। अब अंदर हम आ चुके हैं जिस तरफ पहले आए थे। उमेर भाई बहुत ही ज़्यादा दीवारों के देखो क्या हाल हो चुका है। ये भाई दीवारों के जो हाल देखो इस तरह कुछ। यहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिक का भी सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम में मौजूद उस वक्त सब चीज़ बनाए थे लेकिन काम रुक चुका है। और पहली वाली वीडियो में ये सही रखा था। हाँ पहली वाली वीडियो में ये सही रखा था। हाँ ठीक है, पहली वाली वीडियो में ये जो जगह है वो सही रखा था। चमगादड़ भी यहाँ पे बहुत सारे। ओके ये देखें, ये काम यहाँ पे भी रुक चुका है, बहुत ही जो है ना हालात खराब है। यार ये किस चीज़, ये क्या चीज़ है उमेर भाई? जरा इधर है, ये एक हॉल के टाइप का बना है। सेकंड फ्लोर पे चले जाए। चले हाँ, वैसे भी ये साथ में देखा हुआ है। एंड आल्सो सेकंड फ्लोर क्योंकि भूतिया मशहूर है तो वीडियो का अपना ही मजा होगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ वीडियो से जो है ना ख्याल से जाए, क्योंकि क्या पता बहुत ही अच्छा हाल है तो कुछ भी हो सकता है। ये वही सीमेंट है गाइस। पहले जब हमने वीडियो रोका था यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे हम आए ही नहीं थे, आज जब हम आ रहे हैं ये है भाई सेकंड फ्लोर। ये उमेर भाई रस्सियां किस चीज की? ये रस्सियां नहीं है, इलेक्ट्रिक टायर वायर से मंगता फिर फिरते यहां पर यहां पर यहां पर चल दिस साइड दिस साइड दिस साइड। यहां पे पंखा भी है और बिस्तर रखा हुआ है। बिस्तर नहीं है, कोई और चीज। बिस्तर भी रखा है, पंखा भी मौजूद है उस साइड उस कमरे की तरफ। कर जफर भाई आप आगे आ जाओ। और यहाँ पे जो कुछ सामान वगैरह है ये कुछ शायद बोरिंग वगैरह के लिए।
मुझे तो सच में डर लग रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? गाइस अंदर आना मना है। उर्दू में लिखा होगा, मुझे नहीं है। गाइस अंदर आना मना है, उर्दू में लिखा। यार यहाँ पे चप्पल भी रखे हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पे ऑलरेडी मेरे भाई हमसे पहले भी आ चुका है। यहाँ पे हमसे पहले भी कोई आ चुका है। यहाँ पे एक चेयर भी रखा हुआ है। ये बहुत पुरानी चेयर नहीं लग रहा? मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी कोई आ चुका है, अपने चप्पल तक यहाँ पे छोड़ के भागे हैं। ऐसे मुझे कोई सीन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी ऐसे लग रहा है। ये देखिए यार, चप्पल से ऐसे थोड़ी जो है ना बंदा अच्छी इसी हालत में रखे हुए, मतलब काफी टाइम से उसको छेड़ा भी नहीं गया है कि कोई पाँव का निशान इधर उधर मौजूद हो, इस तरीके से मौजूद है। एंड सेकेंड बात मुझे सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात ये लगी, जो शख्स यहाँ पे आए उन्होंने भागते हुए ये कहीं हमारे लिए कोई मैसेज तो नहीं लिखा हुआ? ये मुझे लगता है कोई मैसेज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ पाँव का निशान भी कि कैसी कुछ काफी महीनों से कोई एक किसी ने पाँव भी रखा हो। सच में मुझे डर लग रहा है। अब जफर भाई मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे लिखा हुआ भी अंदर आना मना है। मैसेज यहाँ पे इस साइड पे भी पूरा उम्र इस साइड पे भी काफी चीजें रूम मौजूद है। यार क्या लग रहा है आपको जफर भाई? उमेर भाई मुझे स्कैर तो फील नहीं हो रहा, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ ऐसी जगहों से कि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चप्पल पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ह्यूमंस यानी इंसान हमसे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ना पाँव के निशान आते हैं ना ही कोई मट्टी हटी हुई है। यार ये लगता है काफ़ी साल पहले कोई आया हुआ था और भाई भी जो है ना ऐसे लिख के गया हुआ है। मुझे क्या रखा हुआ, ये कोई सांप वाप तो नहीं? जल्दी आओ। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? ये कोई चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है? नहीं, ये लकड़ी है। लकड़ी है? जब आज फील मुझे दूसरे ऐसा फील हुआ कि कोई अजीब मतलब यहाँ फिर गाइस लकड़ी यहाँ पे कैसे आ गई? गाइस जफर को कुछ फील हुआ है, मैं कहता हूँ जफर को चले जाए एक बार। जफर भाई यहाँ पे भी कोई चप्पल पड़े हुए सेकंड फ्लोर के ऊपर भी, इधर जरा काफी अरसे से ये भी नहीं है। और इस चप्पल के भी कनेक्शन है? मजाक नहीं यार ताहिर, मजाक नहीं, मजाक करने नहीं आए हैं, सच में कुछ हो सकता है। ये कैसा रूम है, कितना छोटा? कलर शलर भी नहीं हुआ, आई थिंक ये कोई बाथरूम अगर आपके लिए जगह कोई छोड़ी गई होगी। यहाँ पे भी एक डेट लिखा हुआ है 12/12/98। ओके भी लिखा है, ओके क्यों लिखा है? मुझे लगता है जब बनाते वक्त तो मजे की चीज ये है कि ये जो है ना जगह कितनी ऊंचाई पे, वहाँ पे डेट लिखने वाले को भी सलाम है। मतलब आई थिंक कोई सीढ़ी वीढ़ी यूज हुई होगी। हाँ यहाँ पर सीढ़ी। गाइस कुछ भी हो सकता है, जो हमें चप्पल दिखे हैं वो भी काफी अरसे से यहाँ पे पड़े हैं और सिर्फ और मिट्टी भी इनमें इस तरह पड़े हुए हैं, किसी ने एक हद तक इनको यूज नहीं किया, हिलाया नहीं है, जैसे पड़े हैं वैसे के वैसे पड़े हैं। मैं गाइस मुझे सच में डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन जफर भाई कह रहे नहीं कुछ जो होगा हम देखेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। एक डेट नीचे भी लिखा हुआ है, उस डेट को देखना है। चले नीचे चले चले चलते हैं। अंदर आना मना है और डेट अलग अलग लिखे हैं, ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रहा है। कुछ है ये गाइस, यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है 16/12/98, ये डेट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये आई थिंक बोर्ड पड़ा हुआ है, एक कोई बोर्ड वगैरह फिर इसको उठा के देखा जाए। हाँ
नहीं नहीं किसी चीज को हाथ नहीं लगाओ, सिर्फ देखो। ये कोई बोर्ड है वो भी गिरा पड़ा हुआ है। ये इसका फीट लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा गाइस, और इस तरफ से कुछ इस तरह दिख रहा है, काफी अंधेरा है, काफी फुट के शिकार है क्योंकि बहुत ही ओल्ड है। अब बिल्डिंग में काफी हादसात भी हुए हैं पहले भी, और टूटा भी बहुत जगहों से है, बहुत पुराना है। यहाँ तक आए, यहाँ पे जो एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के पास एक अलग घर है और वो घर के सारे दरवाजे बंद हैं। ये कुछ दूर से हल्का पुल्का दिख रहा है, इसके पास ट्रीज भी है लेकिन अंदर जाने से डर लगता है, सबको डर लग रहा है, यहाँ पे सबको डर लग रहा है। और दूसरी बात ये कि हम इतने दूर आ चुके हैं इस बिल्डिंग। ये लाइट कोई है, कोई आ रहा है, कौन है? गाइस कोई आ रहा है, देखते हैं कौन है। नहीं वैसे हमने यहाँ पे सुना है कुछ भूत वगैरह है, सच में है? नहीं यहाँ पे कदीम कब्रिस्तान था, यहाँ पे किस दौर का है अभी है या नहीं है? अभी अंधेरे में किसी भी जगह सारे मसले होते हैं, किस्म किस्म के मसले होते हैं। सबसे अच्छा बात ये हम खैर वापस आए, और दूसरा बात ये कि वहाँ पे मुझे तो जिन्नात नज़र नहीं आए, लेकिन मैं मुझे जगह बहुत स्ट्रेंड है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रास मौजूद थे, जैसे कि वहाँ पे चप्पलों का मौजूद होना, दीवार पे अंदर ना आने का जो है ना ऐसे नोट्स लिखा हुआ है, और इसके अलावा जैसे चाचा ने कहा था वहाँ पे काफ़ी हादसा भी हो चुके। चाचा ने कब्रिस्तान का भी जिक्र किया था, और इसके साथ जो है ना इलाके के मकीनों से भी जो है ना हमने सुना हुआ कि वहाँ पे कत्ल गारात के मामला भी हो चुके। तो यानी कि एक तो स्केयरिंग जगह है, दूसरी जो है ना वारदात वाली जगह है, बहुत ही जो है ना स्ट्रेंज है, काफ़ी राज देखने को मिल गए। तो बस मेरे जो है ना ओपिनियन यही है कि ऐसी जगहों से काफ़ी एहतियात करनी चाहिए।